हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई एम गुलाबसा, योर मेंटोर, एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू अनदर सेशन ऑफ RBI 247, whereby we will be discussing important finance related current affairs which are very important specifically from phase 2 perspective of RBI grade B exam. So without any delay, let's get started. So आज की क्लास में we will be discussing two very important news article. The first article talks about the notification, the guidelines that RBI has released for small finance banks that wants to deal into foreign exchange businesses. And secondly, the recently constituted advisory committee on foreign portfolio investments that was constituted by SEBI. तो इस दो news articles को समझते हैं. So let's start with the very first one, which talks about the norms for small finance banks in order to conduct foreign exchange business. तो सबसे पहले इस norms को जानने से पहले let us first understand कि small finance banks होते क्या हैं. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, प्लस आपके जो फाइनेंस करंट अफेयर्स के डॉक्यूमेंट जाते हैं वहाँ पे वी हैव टॉक्ड अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन वेरी डिटेल कि उसके क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रोविजंस है, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स दैट दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इन ऑर्डर टू बी अ स्मॉल फाइनेंस बैंक. और इन सबको हमने डिस्कस किया हुआ है जब ऑन टैप लाइसेंसिंग आई थी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की. आज की क्लास में विल टॉक इन वेरी क्रिस्प मैनर अबाउट व्हाट द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर. तो आपको पता होगा दैट वी हैव द रूरल सेक्शन ऑफ इंडिया एंड स्पेशली द मार्जिनल फार्मर्स. तो जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं, रूरल पीपल हैं, इन लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती. जो एक फॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं की जाती, नहीं एक्सेसिबल होता बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. वन ऑफ द मेजर रीजंस इज़ कि बैंक्स ही अवेलेबल नहीं होते, बहुत दूर जगह पे होते हैं फ्रॉम देयर रेसिडेंस. सेकेंड रीज़न कुड बी द बैंक्स, द कमर्शियल बैंक्स चार्जेस एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए व्हाट. एंड थर्ड, दे डू नॉट हैव द नॉलेज. तो फाइनेंशियल लिटरेसी की भी प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज़ में. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस दीज पीपल गो टू दी मनी लेंडर्स इन ऑर्डर टू टेक लोन्स, एंड इन दैट प्रोसेस दे आर मैनिपुलेटेड, दे आर, उनके साथ बहुत बुरा होता है, राइट. सो RBI from time to time has constituted several committees so that it can solve this problem and could bring this segment of the population within the formal banking sector. इसके लिए उन्होंने local area banks को introduce किया था 1999 में. Then regional rural banks आ रहे हैं. Similarly हमारा जो small finance banks हैं, these are also a type of commercial banks, but इनकी जो वर्क होता है दैट इज़ वेरी बेसिक इन नेचर. मतलब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो एक नीश सेक्टर को, नीश सेक्टर के लिए काम करते हैं, एंड दे प्रोवाइड द बेसिक बैंकिंग फंक्शंस. व्हाट आर द बेसिक बैंकिंग फंक्शंस? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, एंड सेकेंडली सो दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड दे लेंड द लोन्स. लोन्स प्रोवाइड करते हैं और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं. अब ये लोन्स किन को प्रोवाइड किया जाता है? सो दीज लोन्स आर बेसिकली और मेजरली प्रोवाइडेड टू दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. एक आपने PSL करके सुना होगा. सो व्हाट आर दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है, सो दीज आर सेवरल सेक्टर्स जो RBI ने कैटेगराइज किया है, दैट RBI हैज़ टॉक्ड अबाउट, हैज़ आइडेंटिफाइड दैट दीज सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, जिनको फॉर्मल क्रेडिट चैनलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो बिकॉज दीज आर द सेक्टर्स दैट आर गोइंग टू contribute to the overall development of the economy. ठीक है. सो क्या क्या सेक्टर्स आ जाएंगे? आपका फार्मिंग आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, MSMEs आ जाएंगे. सो ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स विल कॉन्स्टिट्यूट दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एरियाज. और ये किन किन को प्रोवाइड करते हैं? सो दीज आर बेसिकली द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स, द अनबैंक्ड एंड द अंडरबैंक्ड सेक्टर of the economy. Then we have the MSMEs, the unorganized sectors. तो इन सबको loan provide करता है small finance banks. Now if we talk about their regulatory structure, तो they are registered as a public limited company under the Companies Act of 2013. तो ये एक public limited company है and they cater to the niche sector of underbanked and unbanked sectors. ठीक है, अब इनको आप कैसे फॉर्म कर सकते हो? नाउ देयर कैन बी प्रोमोटर्स. अब इनकी भी अलग से गाइडलाइंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस की गई थी जब ऑन टैप लाइसेंसिंग आया गया था. ठीक है, तो अब ये जो प्रोमोटर्स होते हैं, दे कुड बी ईदर एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट ट्रस्ट. अब जो इंडिविजुअल होगा उसको एटलीस्ट 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द बैंकिंग सेक्टर, so that he will be eligible to form a small finance bank. Similarly, if we talk about the corporate trust or a company or societies, then they must have at least 5 years of prior experiences in the operations of banking segment. तभी वो किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई लोकल एरिया बैंक है, कोई NBFCs है या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, इफ़ दे वांट टू ऑप्ट, इफ़ दे वांट टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, देन दे कैन डू सो. बट उनके लिए भी फिर अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन की जाती है. नाउ लेट अस लुक एट सर्टन गाइडलाइंस रिलेटेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक. सबसे पहला ये है जो मैंने डिस्कस किया, दैट मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स दैट दे प्रोवाइड शुड बी फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. व्हाट इज़ द रेशियो? मेजॉरिटी इट इज़ 75%. ये रेशियो, ये परसेंटेज आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड विल टॉक अबाउट द मिनिमम पेड अप कैपिटल, कितना होना चाहिए. सो फॉर अस टू सपोज, हमने यहाँ पे बात की कि लोकल एरिया बैंक से अगर ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इनके पास मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल होने चाहिए एटलीस्ट 200 करोड़. अर्लियर 100 करोड़ था, बट नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस इट इज़ 200 करोड़ रुपीज़. तो जब तक आपके पास 200 करोड़ रुपीज़ नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक. थर्डली, टॉकिंग अबाउट दी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कितना कैपिटल उनको एज अ बफर रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंटेन, इन ऑर्डर टू meet the adversities. So at least 15% of their capital should be in the form should be capital adequacy ratio, that is in buffer hona padega inke paas. We have already talked about the nature of the banking, so it will be basic banking activity of deposit taking and lending to the unserved and the underserved section of the society. Now talking about the loans and advances. Ab jitne bhi ye loans provide karenge, उसका जो 50% लोन होगा, सपोज़ उन्होंने 100 रुपीज़ लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड किए, इसका जो ₹50 लोन्स होगा, 50%, 50% ऑफ दिस लोन शुड बी रुपीज़ अप टू ₹25 लाख. तो जो भी आप लोन्स प्रोवाइड करोगे, एटलीस्ट 50% शुड बी 25 लाख. मतलब टोटल लोन्स एंड एडवांसेस शुड बी at least 50 lakhs. so we can say कि जितना इनका loans and advances ये provide करते हैं लोगों को, it should be more than 50 lakhs. अब ये criteria RBI ने क्यों रखा, आप इसको comment में लिख के ज़रूर बताना. One possible reason could be, कई बार ऐसा हो सकता है these banks, अगर suppose यहाँ पे इनका जो ratio है the success ratio is low, या फिर credit ratio ऑब्वियसली कम होगी, क्रेडिट स्कोर जो होगा इन लोगों की वो बहुत कम होगी, right? तो उस इस केस में क्या होते हैं, बहुत सारे बैंक्स वो मना कर देते हैं लोन देने से ही. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सिचुएशन, आरबीआई हैज़ ऑल्सो सेट कि जो आपका 50% लोन्स एंड एडवांसेस होगा वो एटलीस्ट 25 लाख होने ही होने चाहिए, शुड बी अप टू ₹25 लाख. उसके बाद अब सिंस द मेजर फंक्शन ऑफ दीज बैंक्स इज़ टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू दीज सेक्टर्स, टू दीज unserved and underserved sectors, therefore at least 25% of their branches should be in the rural unbanked centers. तो 25% जितने भी branches हैं, suppose इनके 10 branches हैं, ठीक है, तो इसका 25%, ठीक है, कितना होगा 25%? जितने भी होंगे 2.5 होगा. सो अराउंड 3 branches should be in the rural areas. सो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में पता चल गया. अब देखते हैं कि न्यूज़ क्या था. सो द न्यूज़ वाज दैट आरबीआई हैज़ कम अप विद सर्टन नॉर्म्स फॉर दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनको फॉलो करना पड़ेगा सो दैट दे कैन बिकम an authorized dealer, that too of category 1, so that by becoming an authorized dealer of category 1 they can conduct the foreign exchange businesses. तो ये नॉर्म्स क्यों लाए गए? तो ये देखा गया था कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं, इनके जो क्लाइंट्स हैं, दे आर ऑल्सो इंगेज इन दिस फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस. व्हाट इज़ दिस फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मे बी करेंसी, मे बी सिक्योरिटीज़. तो इनको कैटर करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, आरबीआई ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर आए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए कि वो अपग्रेड कर सकते हैं खुद को फ्रॉम ऑथोराइज कैटेगरी 2 से ऑथोराइज कैटेगरी 1. तो अर्लियर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे वो कैटेगरी 2 में आते थे, अब वो कैटेगरी 1 में आ गए. अब आप बोलोगे ये कैटेगरी 2 कैटेगरी 1 क्या होता है, ऑथोराइज डीलर क्या होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑथराइज डीलिंग फर्स्ट एंड देन विल सी द न्यूज़. तो सबसे पहले देखो, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आरबीआई अकेले नहीं कर सकता. एवरी टाइम पीपल कैन नॉट गो टू आरबीआई इन ऑर्डर टू हैव, सपोज करो आपको यूएस जाना है, ठीक है, और आपको कुछ डॉलर्स चाहिए. नाउ यू विल नॉट गो डायरेक्टली टू आरबीआई टू टेक दिस डॉलर्स, राइट? आप बैंक के पास जाओगे. सो इन ऑर्डर टू segregate, in order to like pass on the activities, subordinate को ये provide कर देता है, pass on the activity of foreign exchanges, ठीक है, money lending को या फिर money exchanges को pass on करने के लिए RBI ने banks को authorize कर दिया that you can undertake this foreign exchange transactions, ठीक है. So these are known as authorized persons. So authorized persons basically these are banks who are specifically authorized by RBI to act as dealers or money changers. So जो authorized persons होते हैं they can either be dealers or money changers. अब जो money changers हैं they can be full-fledged money changers or restricted money changers. Full-fledged money changers कौन होते हैं? So full-fledged money changers are the one जो purchase करते हैं foreign करेंसीज़ को, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करते हैं प्लस सेल भी करते हैं. किसको सेल करेंगे? सपोज परचेज करते हैं, सपोज कोई बाहर से टूरिस्ट आया, यूएस से कोई बंदा आया, उसके पास डॉलर्स हैं, सपोज $10 ही हैज़ नाउ ही एंड ही इज़ इन इंडिया. अब उसको रुपीज़ में खर्च करने होंगे जहाँ भी उसको शॉपिंग करनी है या कहीं पे करना है. तो अब व्हाट दिस यूएस पर्सन विल डू, ही विल गो टू दिस फुल फ्लेजेड मनी चेंजर, उसको वो डॉलर्स देगा. So this full-fledged money changers will purchase the dollars from this US person और उसको रुपी दे देगा in return. Similarly, this full-fledged money changers can also sell. Suppose India का कोई बंदा बाहर जाना चाह रहा है किसी trip purpose के लिए, be it private or business purpose, trip के लिए जा रहा है, then these person can sell dollars to these Indians in exchange of rupees. So these are known as full-fledged. रेस्ट्रिक्टेड बाय द नेम, इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, दे कैन नॉट सेल, ये सेल नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज को, दे कैन ओनली परचेज फ्रॉम दिस यूएस और अदर फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, जिनके पास डॉलर्स या बाकी फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज हैं. अब बात करते हैं ऑथराइज डीलर्स की. तो ये बहुत छोटे रजिस्टर्ड मनी चेंजर्स हैं जो बस मनी चेंजिंग के काम करते हैं. नाउ वी हैव द ऑथराइज डीलर्स. They apart from exchanging the money, exchange के अलावा they also undertake foreign exchange transactions, buying and selling of securities, foreign exchange securities और currencies, ठीक है. तो इसमें 3 कैटेगरी की गई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. अब जो हमारा कैटेगरी 1 है, दीज आर द वंस जो सारे तरीके के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक कर सकते हैं, बीट एक्सचेंजेस बीट सिक्योरिटीज़, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली हमारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आते हैं बेसिकली, और ये जितने भी करंट नेचर के ट्रांजैक्शंस हों या फिर कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस हों. करंट नेचर के क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे, या फिर करंट हो गया आपका, सर्विसेज इंपोर्ट करने हैं, कोई प्राइवेट मनी ट्रांसफर्स या रेमिटेंसेस आ रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज विल कॉन्स्टिट्यूट योर करंट ट्रांजैक्शंस. कैपिटल ट्रांजैक्शंस कुड बी, व्हाट कुड बी द कैपिटल ट्रांजैक्शंस? एफपीआई, एफडीआई, इन सारे ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. तो इनकी मीनिंग देख लेते हैं। अब कैटेगरी वन मैंने ऑलरेडी अब ऑथराइज डीलर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। कैटेगरी वन में आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, डिपॉजिट, सारे एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर सकते हैं। अब आते हैं कैटेगरी टू पे, इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और यहीं पे आते हैं हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो दे आर ऑल्सो ऑथराइज्ड बाय आरबीआई और ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं बट फॉर अ लिमिटेड पर्पसेस। तो इनके कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस हैं कि इन चीज़ों के लिए ही आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस या फॉरेक्स बिजनेस कर सकते हो। एंड दोज बिजनेसेस शुड बी नॉन ट्रेड रिलेटेड। किसी ट्रेड, अगर सपोज वो किसी बिजनेस में है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के, अगर वो खुद है तो वो कैटेगरी टू के अंदर नहीं कर सकता, वो चला जाएगा फिर कैटेगरी थ्री के अंदर। कैटेगरी थ्री के अंदर वो डीलर्स होते हैं दोज हु आर स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड बाय आरबीआई टू अंडरटेक दी फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे उनकी खुद की भी बिजनेस हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। सो दीज आर दोज सिलेक्टेड फाइनेंशियल एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दोज कैन अंडरटेक फॉरेक्स बिजनेस स्पेसिफिकली फॉर देयर बिजनेस पर्पसेज एज वेल। अब आ जाते हैं कैटेगरी टू में। कैटेगरी टू में क्या आते हैं? सो वी हैव द फुल फ्लेजेड मनी चेंजर्स, then we have the RRBs, regional rural banks, urban cooperative banks and other entities as specified by RBI। यहाँ पे आ जाता है हमारा small finance bank। अब क्या न्यूज़ है इसको फटाफट देख लेते हैं। न्यूज़ ये है कि अब जो small finance banks हैं they can upgrade to category वन, मतलब commercial banks वाले category में ये आ सकते हैं and thereby they can undertake all kinds of foreign exchange businesses। अब इनके लिए कुछ कैटेगरी रखा गया है कि जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 years उन्होंने ऑपरेशंस कंडक्ट किया है एज ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी टू। व्हाट आर ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी टू? मनी एक्सचेंजेस बेसिकली किए हैं। दे विल बी एलिजिबल टू मूव टू द हायर लेवल, दैट इज़ कैटेगरी वन बिजनेस। कैटेगरी वन अगर उन्होंने ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया है। व्हाट आर दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज? सो फर्स्ट यही है कि उन्होंने कैटेगरी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी टू वाली बिजनेस करी है। सेकेंड, दे शुड कम अंडर सेकेंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआईज एक्ट ऑफ 1934, दैट इज़ स्केड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होने चाहिए। थर्ड, इट टॉक्स अबाउट देयर मिनिमम नेटवर्थ, उनका जो मिनिमम नेटवर्थ है, उनकी जो इक्विटी है, इट शुड बी मिनिमम ऑफ रुपीज़ 500 करोड़। जब तक 500 करोड़ नहीं होगा दे विल नॉट बी एलिजिबल टू एक्ट एज कैटेगरी वन डीलर्स। देन इट टॉक्स अबाउट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो मिनिमम 15% एट ऑल टाइम्स होना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने देखा भी था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को 15% मेंटेन वैसे भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट द एनपीए, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6% होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट बी एलिजिबल टू एक्ट एज कैटेगरी वन डीलर्स। उसके बाद आ जाता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की और उनकी ऑपरेशंस की। तो इन द लास्ट 2 years दे शुड बी प्रॉफिटेबल, प्लस दे शुड हैव नॉट डिफॉल्टेड इन मीटिंग दी CRR एंड दी SLR रिक्वायरमेंट्स। तो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कितना पैसा उनको अपने पास या फिर RBI के पास मेंटेन करना है। तो 2 साल में कभी भी उनको डिफ़ॉल्ट नहीं करना था। एंड लास्टली दे शुड हैव साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उनका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ऑफ कंट्रोलिंग दी एंटायर ऑपरेशंस, चाहे वो बैंकिंग ऑपरेशंस हों या बाकी ऑपरेशंस हों, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। देन ओनली दे कैन मूव फॉरवर्ड टू बिकम ऑथराइज्ड डीलर्स दैट टू ऑफ कैटेगरी वन, ठीक है। तो अब ये नॉर्म्स, सो व्हाट आर दीज नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक? सबसे पहले ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफ़िल करोगे, उसको फुलफ़िल करने के बाद यू विल विजिट दी फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, सेंट्रल ऑफिस मुंबई वाली जो है, वहाँ के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट विजिट करोगे। यू विल सबमिट ऑल दी ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे। देन ओनली दी लाइसेंस विल बी ग्रांटेड। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 10(1) ऑफ द फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इट कम्स अंडर आरबीआई ओनली। सेक्शन 10 के अंदर आपको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा एंड यू विल बिकम ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक. ठीक है. अब फेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेमा टॉक्स अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस. सो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं ऑल आर रेगुलेटेड बाय द फेमा एक्ट. ठीक है. अब हमने ये देख लिया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज़. सो बहुत ईजी था, इसमें कुछ नहीं था. कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आरबीआई ने ले डाउन कर दिए थे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए सो दैट जितने भी तरीके के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं वो अंडरटेक कर सकें. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज़. सो द नेक्स्ट न्यूज़ टॉक्स अबाउट an advisory committee that has been formed by SEBI. अब देखो foreign portfolio investments की बात कर रही है, questions को घुमाया जा सकता है एग्जाम में. तो किसने constitute की है ये committee को? So SEBI, the capital market regulator, SEBI has constituted this committee and it will be a 15-member committee. So these are the information which are very important from exam point of view. इसको statement बना के questions पूछा जा सकता है. ठीक है. तो 15 मेंबर की कमेटी होगी एंड द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी विल बी द एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ही वाज द एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बाय द नेम के.वी. सुब्रमण्यम. ठीक है. कमात सुब्रमण्यम इज़ द नेम. तो ही विल बी हेडिंग दिस कमेटी. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमेटी? तो नाम से ही क्लियर है कि एडवाइस प्रोवाइड, इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड एडवाइस टू दी मार्केट रेगुलेटर दैट इज़ सेबी ऑन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स कि कैसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को और इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ व्हाई वाज देयर अ नीड टू कम अप विद दिस एफपीआई कमेटी? तो आप इसको अपने करंट अफेयर्स से लिंक करो. आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत बार बताया होगा दैट कि जो पिछले मंथ थे, जुलाई को छोड़ के, जुलाई से पहले जून तक, वी हैव सीन अ ह्यूज एक्सोडस ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. इन्होंने अपने पैसे इंडियन मार्केट से बहुत निकाला है. सो द सेबी वांट्स टू फॉर्म अ कमिटी एंड इट वांट्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट कुड बी द मेजर्स दैट वी कैन टेक सो दैट ये जो एफपीआई है वी कैन अट्रैक्ट द एफपीआई so that we can boost the overall money flow in the economy. Overseas money flow है, उसको हम boost कर सकें economy में. ठीक है. measures क्या लें so that FPIs are still retained in our country. ठीक है. thirdly it will talk about कि और क्या investment avenues हम ला सकते हैं, क्या हम innovative financial products present कर सकते हैं इन FPI को so that they stay invested in India. ठीक है. इसीलिए इन सब को मद्देनज़र रखते हुए सेबी ने इस कमेटी को फॉर्म किया है. ठीक है. सो दैट इट कैन गेट रिकमेंडेशंस ऑन पॉलिसी मैटर्स रिलेटेड टू एफपीआई. एंड व्हाई हैज़ द नीड अराइज फॉर सच अ कमेटी? बिकॉज ऑफ द ह्यूज एक्सोडस दैट वी हैव सीन बिकॉज ऑफ टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी बाय द आरबीआई. ठीक है. अब इसके रिकमेंडेशंस देख लेते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं कि ये कमेटी क्या क्या चीज़ें बताएगी इन फ्यूचर टू सेबी. So first, the committee will advise SEBI on matters related to investments and operations of FPI, जो मैंने अभी discuss किया है, so that जो ease of doing business है, जो ease of doing है FPI के लिए, business conduct करने के लिए, investment करने के लिए, वो easy हो सके. Second, SEBI also wants to get advice on what measures can it take as the regulator of the market so that it can encourage more of FPI participation in the domestic bond market. हमारा जो bond market है, equity में तो कर ही रहे हैं FPI, bond market को और strengthen करने के लिए क्या measures हम ले सकते हैं so that FPI participation could be encouraged. ठीक है. Third, it will also talk about the regulations. कई बार ऐसा देखा गया है that we have certain stricter regulations for FPI. FDI के लिए इतना strict नहीं है क्योंकि we know कि FDI जो होते हैं इतना जल्दी अपना पैसा नहीं निकालेगा इंडियन इकोनॉमी से अगर उसने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उसने पूरा अपना सेटअप किया होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया होगा या फिर कोई सब्सिडरी खोली होगी. तो एकदम से सब चीज़ों को छोड़ के जाना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. इसीलिए और एफडीआई को एनकरेज करने के लिए सो दैट हमारा जो लोकलाइजेशन है, जो लोकल एरिया है, वो डेवलप कर सके. ठीक है. इसके लिए एफडीआई को हमेशा एनकरेज किया जाता है और उनके लिए लेस ऑफ रेगुलेशंस होते हैं. बट इन केस ऑफ एफपीआई बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस रखा गया है, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस हैं बिकॉज ये देखा गया है कि दीज पीपल टेंड टू विड्रॉ देयर मनी बहुत एक्सोडसली। तो वो क्या करते हैं और ये मास एक्सोडस करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारा एंटायर स्टॉक मार्केट है या बॉन्ड मार्केट है वो क्रैश कर जाता है, ठीक है। तो इनके लिए रेगुलेशंस हैं, बट सेबी ऑल्सो वांट सर्टेन एडवाइसेस कि अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि हम कुछ चेंजेस कर सकें अपने लीगल फ्रेमवर्क में, सो दैट देयर कुड बी सर्टेन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दी रेगुलेशंस दैट आर मेंट फॉर एफपीआई, ठीक है। उसके अलावा सेबी ऑल्सो वांट्स दिस कमेटी कि वो रिव्यू करे क्या नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हम ला सकते हैं, व्हाट कुड बी द न्यू इनोवेटिव एवेन्यूज़ फॉर दी एफपीआई सो दैट दे कैन बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दोज इन्वेस्टमेंट्स। ऑल्सो इट विल टॉक अबाउट इन्हेंसिंग दी ट्रांसपेरेंसी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज देखना चाह रहा है सेबी एंड इट ऑल्सो वांट्स सर्टेन एडवाइस फ्रॉम दिस कमेटी, ठीक है। लास्टली इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट गेटिंग एडवाइस ऑन एक्टिंग एज ए कस्टोडियन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एफपीआई। तो एफपीआई के केस में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के केस में कस्टोडियन कौन एक्ट करेगा, हु विल बी एक्टिंग एज द कस्टडी, ठीक है। तो उन सब मैटर्स पे सेबी को एडवाइसेस चाहिए। So these were the terms of reference of the committee. The main important I have highlighted already. Objective is important. आपको समझना ज़रूरी है कमेटी क्यों आई, how many members are there in the committee, who has formed this committee and the chairman of this committee, plus certain references. कहाँ कहाँ RBI को recommendations चाहिए और किन areas पे RBI को advices चाहिए. So this was the news that I meant to discuss today. Now there are certain questions for you. और दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर वेरी कॉम्प्रहेंसिव। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, दैट टू मार्क का क्वेश्चंस हैव बीन सीन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी स्पेसिफिक नीश सेक्टर वाले बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, फिर आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम से पहले थॉरो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको आंसर्स देने हैं कमेंट सेक्शन में। सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो टॉक्स अबाउट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट वी हैव डिस्कस्ड रिसेंटली, अभी तो हमने डिस्कस किया है, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है एंड यू नीड टू आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वी नीड टू फाइंड आउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन दिस क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। नेटवर्थ हमेशा पूछा जाता है, बी इट योर RBI एग्जाम, बी इट योर सेबी एग्जाम, नेटवर्थ हमेशा क्वेश्चन में रहता ही रहता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए इफ़ इट बिकम्स कैटेगरी 1 बैंक, क्या क्या नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ दी अमाउंट, वो आपको बताना है इस आंसर में। एंड फोर्थली टॉक्स अबाउट द कमेटी ऑन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। सो दिस 4 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड बाय यू इन द कमेंट सेक्शन। और रीजनिंग देना, सपोज कोई स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है, राइट, सपोज दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, सो वाई इट इज़ रॉन्ग, यू नीड टू फिगर आउट दी रीज़न बिहाइंड इट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू विद द आंसर। द PDF विल बी शेयर्ड टू यू ओवर द टेलीग्राम ग्रुप. So I hope you understood whatever we discussed today. So small finance banks are very important, first thing. Secondly, questions from small finance bank, because it was in news. ऑन टैप लाइसेंसिंग आया गया था, तब बहुत सारे रेगुलेशंस को डिस्कस किए गए थे, मास्टर डायरेक्शन भी आ चुका है स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। विल बी बैक विद अनदर सेशन ऑन सम इम्पॉर्टेंट फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़। सो टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।